अब समस्त को नमस्कार ट्रांसलेशन हैंडीकैप्स फॉर ओडिया लिटरेचर डिस्कशन टा ओडिया रे हबो किंतु सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश रे मु आयोजिका को पचारली आपण ओडिया रे कौन कहि दियंतु से कहले आपण माने सब अनुवादक आपण मानको ऊपर मु छाड़ देले आपण माने अनुवाद करिवे मु आपण को प्रतिश्रुति दउची कि 40 मिनिट पर आम यार गोटे भल अनुवाद निश्चय आपन को बाहर करके दबू एबे आमे विशेष समय नष्ट करिवानी सीधा डायरेक्ट विषय ऊपर को जीवा विषय टी हला जो आमर ट्रांसलेशन रे कौन कौन प्रॉब्लम सब रही अति साधारण कथा ताकू आमे डिस्कशन करिवा मो पाखरे विशारद माने सब अछंती मु भावुची समस्ते भल भाव आलोचना करिवे किंतु विषय को सीधा जीवा पूर्व मु खाली ओडिया अनुवाद साहित्यर गोटे संक्षिप्त धारा विषय आपन को वर्णना करी यार बहुत समृद्ध संभ्रांत एक परंपरा रही आमर आदिकवि सारला दास जगन्नाथ दास पाखु यही संभ्रांत परंपरार आरंभ होता तापर बहुत माइल खुंट दे वर्तमान अवस्था को आम आसी पहुँचीचु मझेरे ब्रिटिश माने आसी से माने भी साहित्य जो अनुवाद ताकू कि क्रम तार स्पीड भी अधिक करते कि पचर उपनिवासवाद कौन सी अस्त्र हिसाब से व्यवहार करते जहाँ भी हो वर्तमान जगतीकरण फेज गोटे चली वर्तमान समय को आम आलोचना करवा आम सांगे अच्छा असित महांती आर परिचय दे मु समय नष्ट परिचय दिया है किंतु गोटे कथा कहुएनी जे से साहित्य पाणीपाग उपरे तीक्ष्ण नजर रखि था तेणु मु भावे सी सबुठ आमर आज विषय पर यथार्थ व्यक्तित्व हेबे जे आमर ओडिया साहित्य रे कौन असुविधा अच्छी जहाँ को कि आज गोटे शीर्षक बनाही तेणु से विषय में अनुरोध कर एटा कहिला बेले ओडिया साहित्यर साहित्यिक माने वर्तमान समाज प्रति अपांत होइछि बोली से थरे कहिथिले सेई प्रसंगटा को टिके जदि सामना को आनिबे भल हो नमस्कार अनुवाद क्षेत्र रे कौन असुविधा अछि अनेक असुविधा अछि तेसे असुविधा काई कि हेछि ताहा गुरुत्वपूर्ण जदि मो कथा पचारिबे मु कहीं अनुवाद करूली करुच्ची मुझे अनुवाद करे जे मु प्रथमतः जड़े पाठक मुझा पढ़िली मत भल लगला अन्य भाषार लेखा मुझे मो भाषार पाठक मैंने मुझे आनंद पाइली से आनंद पातु से मु अनुवाद करे किंबा मो भाषार एमती कौन अपूर्णता अच्छी जोटा कौन बाहर भाषार कृति रे अच्छी मुताको अनुवाद कले मो भाषाटा समृद्ध हे किंतु असुविधाटा कौटी है असुविधाटा एठी है जेतोले सब आनुष्ठानिक अनुवाद पुरस्कार सब आसीगला विशेषकर 1999 जेतोले केन्द्र साहित्य अकाडेमी अनुवाद पुरस्कार आसीगला दि तीन वर्ष पाइला परे अरे सीना मुख्य पुरस्कार भिड़ अच्छी बहुत बड़ बड़ साहित्यिक अच्छा बोध यही गोटे क्षेत्र जो आम पशिले आम सहजरे पाइबू तेणु हिमालय से सी चढ़ी तेंजिंग नर्गे कि एडमंड हिलारी जदि पताका पोतिदे मुझे हिमालय चढ़ी पताका पोतवी मो ना हिमालय विजेता मो अनुवाद पुरस्कार विजेता किंतु हिमालय चढ़ा के कष्ट से अनुवादक मैंने प्रथम जानवा दरकार से नजा अनुवाद करने फल आज प्राय 99 पर ठारू प्राय सी 11 वर्ष आउ ये 24 वर्ष यही भितर ओडिया साहित्य रे अनुवाद ना रे अनेक गुड़िए आवर्जना ढड़ा होजे भल काम हो नुहे मो पाखे जी अच्छा स्नेह प्रभा देवी संग्राम बाबू एपरी किसी कृति करते बाहर भाषा को नहीं बाहर भाषा जानवजे ओडिया भाषा एत समृद्ध किंतु ओडिया भाषा यही सब गुरुत्वपूर्ण कृति अच्छी किंतु विभिन्न पुरस्कार प्रक्रिया जो मो पाख बही आसे ओडिया साहित्य अकाडेमी की
केन्द्र साहित्य एकाडेमी मुझे आरे यही सब हूँ प्रतिनिधि स्थानीय अन्य भाषार कृति ताकू पढ़ले मत लाज लगे आम भाषा आठ तो बहुत गुण यही सब तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी निम्न स्तर बही गुड़िक किपर अनुवाद ही आम भाषा को आसुच्छे आम भाषा को केतर समृद्ध करम भाषार पाठक पढ़ी केत दूर आनंद पाँच कितु सब गोटे लबी चलती किए के बही अन्न भाषा कई पार से गोटे अदृश्य प्रतिजोगिता चलती दृश्यमान प्रतिजोगिता जहाँफल केवल ओडिया भाषा नुहे अन्न विभिन्न भाषा बहुत गुड़े मान साहित्यर सरस्वती प्रतिदिन आम आवर्जना निक्षेप करुचु जहाँफल आम सरस्वती नदी हूँ गंगा नदी हूँ आज प्रदूषित यही हूँ सबुठ बड़ हैंडिकैप से आवर्जना कथा कहला बेले मोर मन पड़े आपन थे कही गोटे केन्द्र साहित्य पुरस्कार पाई हिंदी रु ओडिया से लिंगगत दोष थिला से विषय कहे बद को जीवा ना मुझे लिखिदे तीन तीन टी लेखा लिखी अल्प केतोटी वर्ष ते समस्त मन थी आपण मन अच्छी धन्यवाद गोटे एपरी गोटे बही पाइला गोटे मोहर मार दिगला से कुंतला कुमारी सावधन कर यहाँ जीवनी जो मैंने जजेस हेले से माने बही नपढ़ कहते कुंतला कुमारी सावंत जीवनी तेणु ए बहीटा सब योग्य ओडिया भाषा केन्द्र साहित्य अकाडेमी अनुवाद पुरस्कार पाइबापी किंतु ता कुंतला कुमारी सावंत जीवनी नथिला प्रच्छदरे कुंतला कुमारी थिले जी मूल लेखक सी कौटी कही ना कुंतला कुमारी मान कुंतला कुमारी सावंत जीवनी तेणु जो मैंने विचारक से मैंने बड़ हैंडिकैप सृष्टि करते गोटे अजोग्य अनुवाद पाई जाऊँगी ताहले लोक मैंने भावुंती भल बहीटे कहीं करी मुझे गोटे बही जमी सेमती करदे मु ट्राक रखी किए किए कौ प्रोसेस पुरस्कार पाइबि जहाँफल सबुठ बड़ असुविधा आम अनुवाद क्षेत्र में तैयारी से जो पुरस्कार प्रति मोह आप दानार तबड़ा बोली बहुत सुंदर प्रयोग करवाद बर्तमान आसवा आम विशिष्ट कवि संग्राम जेना पाखक तांकर परिचय तो दिखाई ता छड़ा गोटे परिचय अच्छी से गोटे नुआ विश्वर गवाक्ष आम ओडिया पाठक मान को आगुरु आम खाली इंग्रेज कि बेसी यूरोपियन कथा कहूँ से लैटिन अमेरिकन रो द्वार ओडिया मान पाखे अजणा था ताकू सी जनईदे मार्क्वेस लोसा बोर्जेस यही मान सब आणले ऑक्टेविया पेज वर्तमान मुख्यतः जड़े कवि कवि हिसाब से कवितार अनुवादक हिसाब से ताऊपर ध्यान दे मुझे कह आमर जो आज विषय ताकू सी तर्जमा करूँ कि प्रकृत में कौन प्रतबंधक सब रही धन्यवाद असित आम साहित्यर सब कथा देखती निजे लिखती अन्य केमी लिखुंट भी देखती एमती जन लोक अनुवादक पाइबा सौभाग्यर कथा से निज मत देगले कि मो मत टे अलग जे मुझे विषय को जीवन कारण गोटे विषय थे आलोचना हालापर आउ कहीं आलोचना हे मोर इच्छा हो कौन असुविधा कहीं भल अनुवादक बाहर ना आम कौन बाहर ना कि कारण पुणी कौन कहीं बाहर ना से मोर ये उभय को इंग्राजी को जाऊँगा कारण एटा ओडिया साहित्यर समस्या माने ओडिया रु इंग्राजी को जाउथिबा बा अन्य प्रांतीय भाषा को जाउथिबा बा ओडिया को आसुथिबा उभयरे आमर समस्या अछि ए जो संकट देकी गति करूछि यार कारण कौन दुई तीन टी मु संक्षेप रे कहूछि आपण देखिबे अर्जेंटीना ब्राजिल फ्राजिल जगार ये जो प्री स्कूल जेतेबेले पिला माने खेलंती तांको फुटबॉल दिया जाए इवन सुंदरगढ़ रे कहा जाए जे हॉकी आरंभ करा जाए तेणु जितेबाला आम पिला प्रथम स्कूल कहुची जे कविता लेख गप लेख अनुवाद कहीं जोटा आम बेले मुझे जो पाठ पढ़ुली आम बेले कोर्स इंग्राजी ओडिया को अनुवाद कहला ओडिया पुणी थे इंग्राजी करवाक कहला रिट्रांसलेसन बोली से लिखा होते मिलूला मानुआल मिलूला जे अनुवाद केमी हम कौन तेणु सेटा बड़ कथा नुहे पिला कौन शिखुची गोटे परिवेश सृष्टि करा गोटे आग्रह सृष्टि करा ए लव फॉर ट्रांसलेशन एवं जो बही मिलता लाइब्रेरी पीरियड थिला से आम पढ़ीचु टमकका कुटीर पढ़ीचु केते सब अनुवाद पुस्तक पढ़ीचु आरब्य रजनीर कहानी तेणु विश्व साहित्य प्रति अन्य साहित्य प्रति जो आग्रह सृष्टि करा वर्तमान प्राय ना यहाँ मोर प्रथम ये द्वितीयटी है जे
जो बायोलिंगुआलिज्म मल्टीलिंगुआलिज्म जाऊ कौन बहुभाषिकता से आप देखते गांधी स्वाधीनता संग्राम बेले पूर्व सब गांधी जो 1909 बाहर कले खबरकगज बाहर कले से पांचटा भाषा से बाहर करते नवजीवन बाहर से जो लोक थे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे बहुभाषिकता प्रति जोर दौले आमर एटी भी ताही होता इंग्राजी भलक जानुले प्रहलाद प्रधान भाई लोक इंग्राजी जानते संस्कृत जानते चित्त भाई भाई लोक पांच पांचटा भाषा जानते से आग्रह आम कहीं कमिला आम जो स्पेशलाइजेशन कले इंग्राजी जानी भल भाव इंग्राजी जानी ता अर्थ नुहे भल ओडिया न जानी तेणु से जो चेष्टा से जो ईटा आम धीरे धीरे कमिला कारण अनुवादर प्रथम कथा हूँ अनुवादक गोटे हूँ इंटरप्रिटर हाँ कहती कौन भाषा सेपट को निए समा संस्कृति निए कि मो मत गोटे अनुवादक हूँ से जो टेक्सटा जोटा से अनुवाद करो भाव देखे हि इज द फाइनाल इंटरप्रिटर कारण ता ना रवींद्रनाथ दस प्रकार हो ना शेक्सपियर पांच प्रकार अनुवाद हो ना आप गोटे साधारण उदाहरण देवी मटीर मनीष मटीर मनीष लीला लाए जो कले ना कौन दे दि हाउस अनडिवाइडेड सी देखिले गोटे सोशियोलोजिकल मिनिंग तार आणले जे जौथ परिवार भांगी जाऊँगी यहीटा आटीच्यूड जितेबाला आम तापर आसलु विक्रम दास से लिखले बर्न अफ दि सएल तुम गोटे बंडेज कथा कहले मटी सह मनीषर जो संपर्क ताको प्रस्पेक्टिव रखिले जितेबले परवर्ती के महापात्र कले पॉल सेंट पियर कले सल्ट अफ दि आर्थ कले सल्ट अफ दि आर्थ गोटे ख्रीस्टियन टर्म मानने ख्रीष्ट जीशु भावुले जे बाइबल टर्म सेटा जे जो मैंने भल लोक संस्थापन करेंगे रखिए तेणु से बर जुगु गोटे भल लोकर क्यारेक्टर से भाव में लिखले मैंने दि वे द ट्रांसलेटर आज इंटरप्रिटेड यहाँ हूँ बड़ कब गोटे टेक्सट को कमी देख उभय भाषार दक्षता दरकार आम जो टेक्सट करेंगे ये पाक पढ़े से तो जोबले पढ़ी थी जो ए मार्क्वेज गोटे इंटरव्यू में जैसे राबासा को पचरा गला जी तर ट्रांसलेट करे कहले आपण भल इंग्लीश जानी तो स्पानिश्रु करेंगे से कह मूर्ख भाया मत पचारना तुम्हें आगे पचार मु भल स्पानिश जानी कि नहीं कारण मुझ ठीक भाव में बुझे करी कारण ताको गोटे कॉपी एडिटर भी करदेव आपड़ जहाँ लिखिए कॉपी एडिटर पैसा देने भी करदेव तेणु आपड़ निज टेक्स्ट को निजर मात्र ठीक भाव में पढ़ी बुझीपर नहीं तेणु ट्रांसलेसन प्रथम मूल भाषा बुझा दरकार एवं तृतीय मोर कह कथा समय बदल जाऊँगी जे जो बड़ लोक मैंने आगे लिखुले आम आगे को मैंने लिखुले मन कहते फकीर मोहन से भी महाभारत रामायण उपरे करते से राधानाथ थे तुलसी स्तव करते धीरे धीरे आप गरीब मधुसूदन नुआ नुआ सनेट इंट्रोड्यूस करते अनुवाद करते भी आप देखिए गोपीनाथ महांती तो ये कर युद्ध शांति कर इंटर वार पीरियड है जो कोल्ड वार पीरियड देखिए शीतल युद्ध बेले जितने बहु बहु रशियान टेक्स्ट सब है गर्किंग माँ है विभिन्न सब टेक्स्ट सब करा टॉलस्टॉय करा तेणु बड़ लोक मैंने जो बड़ बड़ क्रिएटिव राइटर जो लिखिले दैट बिकम ए मॉडल फॉर अस जे आम भी लिखा बर्तमान मोर जहाँ धारणा जो मैंने क्रिएटिव राइटर से मैंने भावुंटे यहीटा गोटे नुहे आस्पेक्ट नुहे अनुवादा एमती कारण मला बेल को बाल्डुइन भी करना गोपीनाथ महांती जेटा तो इनॉग्रेट है ए तेणु आम भैल्यू सिस्टम भितर से आसुना आउट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचना जारी रखा कि कवि जन कवि हिसाब से कहे कि कवितार ट्रांसलेसन करवा मान कष्ट अतीत तो बहुत जन कहते इट इज इम्पॉसिबल बहुत जन भी कहते लॉस्ट इन ट्रांसलेसन गोटे फ्रेज अच्छी राजी कि राजी नुहे मार्क्स कहते किडनाप ट्रांसलेटर इज लाइक ए किडनापर तेणु कविता को ट्रांसलेट कर किसी स्पेशियाल असुविधा रही कि जोटा कि आज ओडिया अनुवाद को ना असुविधा रही आडभांटेज भी रही खाली असुविधा कहीकि गोटे एस्केप रूट यहाँ इम्पॉसिबल मत जन थर पचारे कला बेल ओम को कौन करेंगे तेणु से सब खसी जबार बाट आपण करवा मैंने अनुवाद करेंगे फेथफुली करेंगे भल कि पढ़ी करेंगे सेटा हूँ बाट बाट नुहे यहाँ गोटे असंभव कम आम के यटा को ये नुहे आपे केमी करेंगे कि भावे जो कथा आप पचारे जदि गोटे अनुवाद करेंगे कविता को मु मुख्यतः कविता कै ऑक्टेविया पाज करपर नेरुदा करशेषकर विभिन्न ये कर लड़का एवं मोर बाहर 200 कविता सेंट्रल साहित्य अकाडेमी से अलग कथा मत कि लगे यहाँ करवा प्रोज ठूँ कष्टर कितु से जो स्वाधीनता भी अच्छी से प्रोज्रे ना
सेम टाइम कारण आपणकर गोटे स्वाधीनता अच्छी जितेबले जड़े आप करेंगे से कथा को लेकिन करदे ना जे जहाँ लिखाई मुझे अनुवाद करी ता नुहे आपड़ा अर्थ बुझे मुझे जो नेरुदा करी देख ली दी प्रकार मेरोइन गोटे प्रकार करपुर फिलिस्टीन आउ गोटे प्रकार कर किए कौच मान इंग्राजी भी अलग अलग करेणु आपड़ कष्ट तेणु जिते लाटिन आमेरिका मुझे अन्न मान करते ग्रीक कविता करेणु करवा बेले आपणकर स्वाधीनता टे अच्छी अधिका जोड़बार से छोट कथाटे कहीदे जिते बड़े पचारे मेरोइन को नेरुदा से बही फेरले नहीं कहले कौन आप असुविधा है मत बही कहीं फेरू ना सेठ नेरुदा कहले मुझे फेरे दिखे मुझे जहाँ करमें से अनुवाद कर कौन अधिका कल तेणु आप बुझु मानने से मार्क सब कहते मत इंग्लीश पढ़ाक बेस भल लगे मो स्पानिश अपेक्षा लिखी टेलींग टू लिव दि टू लिव इट टू आत्मजीवन ने लिखिंट तेणु करवा कष्ट यहाँ सत कथा मुझे अनुमान बहुत कष्टसाध्य से तो आजिकल जो कल्चर स्पेसिफिक टर्म सांस्कृतिक शब्द गुड़ाक इंडेक्स दे दिया ताको वर्णना करी कारण से स्वाद आसब नहीं आगे कह जाऊला जे एमती करुच्चे जना पड़ी ओडिया जमी लिखाई कि कहूँ जो मटीर कर तार स्वाद रहा दरकार जदि स्पानिश बासना न आसला से इटालीय कविता कि ग्रीक कविता बोली आपति कहे तेणु से बदली गला सब चिंताधारा बदली गला तेणु करवा कष्ट अपेक्षाकृत गद्यठूँ करवा कष्ट कि गद्यठूँ कर स्वाधीनता भी अच्छी तेणु से बुझा दरकार बर्तमान आम मैडम स्नेह प्रभा दास सी वर्तमान बहुत आगधाड़ी आमर ओडियारु इंग्राजी को ट्रांसलेटर भितर अच्छा जमती आमर हिमांशु महापात्र जतीन महापात्र जतीन नायक किंबा विक्रम दास से स्तर सी वर्तमान ओडियारु इंग्राजी को बहुत भल नोवेल कविता भी बहुत करु से पद्ममाली ओडिशार प्रथम नोवेल टू आरंभ करी मैजिक रियलिज्म रो 1000 आवर्स इन रेफ्रिजरेटर मनोज कुमार पंडा सब सब जनर से वर्तमान मत प्रश्न आप जिते नोवेल ट्रांसलेट कर इंग्लीश को ट्रांसलेट कर प्रतिबंधक अनुभव करम भाषागत कि आपट्रे कहूँ आज्ञा समस्त को नमस्कार थैंक्स फॉर गिविंग मी 3 मिनिट्स मु ओडियारु इंग्राजी को ट्रांसलेशन करे विथ ऑल ऑफ योर काइंड परमिशन मे आई टेक द प्रिविलेज ऑफ लैप्सिंग इनटू इंग्लिश टाइम एंड अगेन बिकॉज आई थिंक इफ आई स्पीक इन इंग्लिश इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हियर एंड कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग when we do translation, understandability is the most significant factor in doing a translation. As Sangram sir has pointed out, that you interpret and then write. So a translator, while translating, the first task or first aspect he or he has to handle it is to how to make it understandable. For that, he has to understand the text he or she is going to translate, and again he has to make it understandable to the readers for whom she or he is doing that. Because we see that why do we translate? We translate to reach out or to make a connection, to connect to world literature, to world languages, to thought worlds. And how do we do that? I just skip. How do we do that? There is a specific procedure for that. We build up a communicative infrastructure so that there will be flow of knowledge and ideas. And then what happens? What are the handicaps? Amara handicap button ame jo discussion koruche. The topic centers around translating handicaps, translating Odia literature handicaps in doing that. So I have a small doubt translating Odia literature to which language, because there is always a difference between translating to which language you are translating. Suppose I am translating an Odia literature into Hindi or Bengali, because they belong to the same linguistic group. They are called the Indo-Aryan language. While I am doing it,
into English. I am doing it to another language group that is called the Indo-European language. And then there is a lot of difficulties. The number one difficulty when I started doing translation, I faced untranslatability. So what is untranslatability? Because these two literary worlds, Odia and English, they stand wide apart from each other, both in while we're doing, because I'm doing, I have done ancient literature like Padmamali, Bibhasini, Fakir Mohan. I feel they stand apart in time and space. Not only just geographically apart, but historically apart. So it becomes very difficult to capture that mood of ancientness and to transfer it to a contemporaneous area. So there are words, there are culture-specific words, there are phrases, there are idioms, which are very difficult to capture in English. And there is always the question of transferring the mood. Suppose when an Odia person gets angry, he says, so that is a nonsense word. So these nonsense words, Raja kohile tumo munda, Padmamali, there is a word like that. So these are called nonsense words. And they are spoken just to express a certain mood. So how this mood is going to be transferred? Unless you find out an exact expression in that language, forget about equivalence, all those translation theories. From my experience, I say no translation theory works when you set out to in the practical field and sit down to translate. No translation theory works. You have to invent your own modus operandi. You have to invent your own style, your own narrative pattern to understand, interpret, and make them understandable. Button sir, mu oriya re kahibi. Apan jo kahile je kon kon asubidha face kali. Ei sabu asubidha mor asubidha ta pratham hela je tole mu Utkal Bhraman kali. Jo ta ebe recently bahachi. Fakir Mohan translation kariba bahut kasto jo mane karichanti samaste janthibe. And sabutu kasto hela Fakir Mohan kara poetry. Karan Fakir Mohan kara jo Utkal Bhraman sithire ette विभिन्न भाषार वर्ड अच्छी खाली ओडिया से नुह तादेरे उर्दू अच्छी भोजपुरी अच्छी माने तेलुगु अच्छी आपण विभिन्न प्रकार वर्ड से पाइबे ताकू आम खाली ओडिया टेक्स्ट बोली नहीं कि ट्रांसलेशन करदे नुह आम जो से वर्ड गुड़ा पढ़ुचे से वर्ड रो बैकग्राउंड मध्ये आमको देखा पड़ो तेणु से मुख्यतः भाषागत असुविधा कथा कहले जोटा कल्चरल आमर सांस्कृतिक से जहाँ भी हो मैडम कथार जना पड़ा अनुवाद एक सहज कला नुहे यही कथा को समर्थन करी मु गोटे पुराणा कथा कह टैगोर मध्य ट्रांसलेशन करने चेष्टा करते कि दिन पर मोहभंग होगला से बंद करदे से ये स्वाधीनता कथा कहते अनुवादक स्वाधीनता नवा कथा से बहुत स्वाधीनता नहीं गले गोटे शाहजहान बोली गोटे कवितार से निजर कविता ताकू इंग्राजी रे ट्रांसलेट करते 151 धाड़ी बंगाली मूल लेखा को 17 लाइन रे सरीगला से कहले ना मुम आऊ बंद करदे जहाँ भी हो बर्तमान आम असुविधा विषय बहुत कथा जानलु बर्तमान आम यार किसी समाधान अच्छी कि जो आम प्रतबंधक गुड़क फेस करें हटे पार कि पुणी आम आसवा आमर द्वितीय पर्याय को असित बाबू को अनुरोध करी तर कौन जी मौलिक से देपर आम को दिग्दर्शन आम बहुत खुशी हबू देखो असुविधा हटेक कित गोटे व्यवस्थागत कार्यक्रम नवाक पड़ो सुखर कथा एबे जो नुआ सरकार ओडिशा रे से घोषणा कर गोटे अनुवाद एकेडमी प्रतिष्ठा करिवे ठीक अच्छे बहुत भल कथा किंतु प्रकृत रे भल अनुवादक तैयारी हेबे महाविद्यालय विश्वविद्यालय मानकर किंतु महाविद्यालय विश्वविद्यालय मानकर ये ट्रांसलेशन स्टडीज ना मुझे तो रेवेन्सा आज दिन में यूनिवर्सिटी से दिन कॉलेज थिला पढ़ुली से ओडिया एम एरे अनुवाद गोटे पेपर थिला गोटे ग
गोटे बही अनुवाद कर बाबद शहे पृष्ठार गोटे आलोचना लिख पेपर वन पेपर टू से किसी लोक बाध्यवाधकत ट्रांसलेसन नहीं अनुवाद करने भितर सी अनुवाद कर कि कला कौशल शिक्षा करुले कि विश्वविद्यालय से कथाटी ना ता प्रथम करने को पड़ा जहाँफल नुआ अनुवादक बाहर महाविद्यालय स्तर विश्वविद्यालय स्तर द्वितीय कथा होड़शारू के भल कृति गुड़िक बाहर को जीव बाहर भल कृति गुड़िक आसब मुझे प्रथम कहीदे कौन असुविधा होफल केदूर निकृष्ट मानर कृति विभिन्न भाषा जा पशुची मुझे छोटिया उदाहरण देकर सारि लंबा करी ना कारण अन्य दुई जन पुणी अच्छा कन्नड़ गोटे अति उल्लेखनीय कृति हूँ बच्चन कविता गुड़िक से गोटे दिन निष्पत्ति नेले जे आमर बच्चनटा भारत बर्षर चबिशटा भाषा अनुदित हम से प्रोजेक्ट नेले विभिन्न भाषार ट्रांसलेसन ट्रांसलेटर को डाकिले इंटरव्यू कले निजुक्त कले ओडिशारे प्रवासिनी महाकुड़ सूर्य मिश्र कले ओडिया बाहर एवं अन्य चबिशटी भाषा बाहर सेमती तामिल तिरुकुराल अति उल्लेखनीय कृति से मैंने निष्पत्ति ने जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शास्त्रीय मान्यता पाइला तिरुकुराल को सब भाषा करेंगे तिरुकुराल सब भाषा अनुदित है प्रधानमंत्री दिल्ली में उद्घाटन कले आम ओडिशा साहित्य अकाडेमी पक्षर सेपरी प्रोजेक्ट किसी एपर्त निना आमर कौन किसी एमती कृति ना कि जहाँ चबिशटाक भाषा को जीव यही कथा गुड़िक आम कले आम भाषार भल भल कृति बाहर को जीव जो ओडिया आईडेटी कथा भाषा को नहीं गोटे सेसन प्रकृत ओडिया आईडेटी भाषा को लेकर से हम जी बड़े भल कृति गुड़िक भारत बर्षर अगर भाषा मानक जीव पृथ्वीर भाषा को किंतु सेपरी उद्यम हो जहाँफल भाषा को नहीं जो अस्मिता कथा आज को दिन कह प्रकृत से प्रतिष्ठा हो पार नहीं तेणु पड़ो अनुवाद एकाडेमी जहाँ प्रस्तावित अच्छी किपर बाहर कृति गुड़िक आम भाषा को आसब आम भाषार कृति गुड़िक बाहर को जीव से दिगे आमको व्यवस्था करने पड़ो आम व्यक्तिगत भाव जो मैंने करुचु से मन भितर रखिकी कौ बहीटी मुझे अनुवाद कले आम भाषा समृद्ध हे किंवा आमर कौ बही इंग्राजी किंवा बंगला कि हिंदी कि अन्य भाषा को गले आम भाषार एक्सेलेन्सटा अन्य भाषा भाषी जापर से आम निजर गोटे अंकुश तैयारी करा पड़ो निज को बहुत बाछिकगढ़ करने को पड़ो यह परिस्थिति बदल मु आशा करवाद धन्यवाद संग्राम बाबू आमर जो सार कहले अनुवाद एकाडेमी ओडिशा हबार अच्छी तेणु गोटे सांगठनिक प्रोत्साहन कथा आसला आपण ओडिशा साहित्य एकाडेमी सहित जड़ित थिले आपण कहंतु जे आमर अनुवाद रे सांगठनिक प्रोत्साहन अभाव अच्छी कि आई कौन समाधान आम देखुचु आगरे जमीती मुझे सार कहले तमिलनाडु कथा तमिलनाडुर बुक पब्लिकेशन डिविजन बर्तमान सबू क्लासिक को विभिन्न भाषा से ट्रांसलेट कर गोटे बड़ प्रोजेक्ट से भाया आमर किसी करा कि चिंता करा कि करागले कि हम कि असित जो कथा कहते हैं गोटे फंडामेंटल पॉइंट जे गोटे बेसिक कथा जे जेपर्यंत गोटे इनट्यूशनाल सपोर्ट न मिली एनकरेजमेंट न मिली से पर्यंत व्यक्तिगत स्तर में बहु ये जी हम नहीं कारण मन करते आप सारा महाभारत इंग्राजी में अनुवाद करेंगे कि जगमोहन रामायण करेंगे कि भागवत करेंगे तेरे व्यक्तिगत ये हो पार नहीं अर्थ दरकार एत लोक दरकार ताकू केवल गोटे सांगठनिक एवं ये स्तर ही करा जाई पारिबो जदि साहित्य एकेडमी आज पर्यंत न करि पारिछि सेटा तार फेलियर किंतु हिंदी रे करा जाई छी साहित्य एकेडमी करि छी एवं हम आशा करू छी जो एकेडमी हमर तयारी हबो सेथिरे एगुडी को प्रथमे प्रायोरिटी दिया जिवो तबे एतिक कथा मु आपन कहि पारे जे साहित्य एकेडमी रे जो 15 20 टी क्लासिक्स करा जाई छी एवं से स्नेहप्रभा मैडम भी गोटे जो आमर ओडिया भाषार प्रथम ईरु आरंभ करी नाटक हो मने मने हला कमड़ा बाट जो सब कर कि 15 टी कविता सेमती कि राधानाथ कविता दुईटी ये सब करा जाए कि प्रकाश
अभिमुखे रही सबुठ बड़ कथा है जे आम कहीं करवा तेणु तापाई गोटे ट्रेनिंग दरकार कौन करवा अलग कथा कितु पुणी भविष्य गढ़ा ना आम जदि खाली कह जो एक्जिस्टिंग लोक अच्छा असित अच्छी कोड़े जन आपर अच्छा आम ये करदे कि परवर्त काल में कौन हम तेणु जो प्लानिंगटा हम सीटा गोटे प्रस्पेक्टिव प्लानिंग हुए तेणु आम कौन करवा दरकार स्कूल स्तर विश्वविद्यालय स्तर कलेज स्तर दक्ष केमी हे पाने आग्रह बढ़ दरकार प्रथम कौन कर जो सोशल ये बदल पड़ो जो आटीच्यूड साधारण लोकंर अनुवाद प्रति जो आटीच्यूड अच्छी जो मनोभाव अच्छी बदल पड़ो आप आज पर्यंत सेंट्रल साहित्य एकाडेमी लक्षे टा दौर कविता लिखले अनुवाद कले 50,000 टाँग दब आपन को प्रथम यहाँ है कौन सी स्टेट एकाडेमी बोधे ओडिशा तो दौने कौटे दौन थे तेनालीटा कारण कौन कहीं आप गोटे ये स्तर में एमती भेदभाव रखिंट तेणु ताक गोटे मान प्रतिष्ठा आपच्च अधिक कृति को बा अधिक आवश्यक से सृजनशील यहाँ सृजनशील नुहे जो कथा कौन पूर्ववर्ती शुणुली बसिक जो साडो ये कथा कहले भला कथा सेटा अनुवाद कथा तेणु मानसिक स्तर में बदलवाक जो मैंने एस्टाब्लीश्ड राइटर जो मैंने क्रिएटिव राइटर से मैंने लिखतु ता मान बढ़ युद्ध अशांति से करें भावचु आम भी किसी करूँ तेणु जो सृजनशील लेखक से लिखतु आमको ट्रेनिंग कराऊप इनट्यूशनाल सपोर्ट दि जाऊ सब प्रकार गोटे प्रकार परेश सृष्टि आरो थे जो सारा मागो पाई जो 1998 पर मन अच्छी नोबेल पुरस्कार पाई से तो अक्टोबर द्वितीय गुरुवार डिक्लेयर हुए जो कलिकता फेस्टिवल है मुझे गला बेलू ताक बहर अनुवाद मु देख ली से तीन मस भितर से सारा मुग अनुवाद कर सारी तेणु से जो आमर आलोचना हो वर्कशॉप विभिन्न हो खाली पढ़ेदेले हम नहीं किमिति अनुवाद करवा तापर बहुत समय आम पलाऊँ अनुवादर कला अनुवाद कौन कौन रहा उचित से मुझे नुहे से गुड़ा पढ़ा विशेष किसी आवश्यक ना जन अनुवाद कविता कौन कले लिखा जाए कौन आपड़ लिखुंट आपड़ कविता लिखुंट घर बसिकी तेणु जी ट्रेनिंग दवा कथा मिनिमम ताकसअप बहुत करियर ग्रुप मन आपण लिखिले मुझे देख ली तेणु से जो आनालीसीस गोटे एमती गोटे सांस्कृतिक स्तर में कराऊ जहाँ फल सरकार करंतु व्यक्तिगत उद्यम हो जे अनुवाद प्रति लोकंर श्रद्धा बढ़ एवं दक्ष अनुवादक आसबे फल भल अनुवाद लोक भल पढ़े आज पर्यंत मन अच्छी श्रीकांत मु पढ़ी कहीं केते दिन तलर से मन अच्छी आमर से पर्यंत तेणु भल अनुवाद हवाक मन रखिए सब बेले जे अनुवादक होउची गोटे नुआ जो कथा कह जा जो लांगुएज बर्तमान ओडिया भाषा को जदि ज्ञान भाषा करिया पड़िबो ताहले यही ज्ञानपाई जमी 1453 कन्स्टांटिनोपल पतन परे जमी यूरोपर विभिन्न जगह को सब गले लोक गले ग्रीक आउ हिब्रू रे जो थिला ताकु ट्रांसलेट कले ट्रांसलेट कर ज्ञान विचूरण होला रेनासा आसला तेणु सब बेले आपण मन रखिबे गोटे अनुवादक मान गुरुत्वपूर्ण गोटे ज्ञानभित्तिक समाज तैयारी करिवारे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी सब बेले गुरुत्वपूर्ण एवं से कथा साधारण लोक पाठक सरकार बुझा उचित धन्यवाद वर्तमान आम आसवा मैडम पाखक से जो ट्रांसलेसन कला बेले निजर अभिज्ञतारू जो भाषागत असुविधा कि भाव को अबिकल अनुरूप सृष्टि करार असुविधा तापरे कहते वर्तमान किछि समाज यार केमिति दूर करी हबो किछि भाषाकोश सृष्टि करी हो किंबा डिक्शनरी सृष्टि करी हो किंबा आउ को उपाय रे सृष्टि करी हबो एही प्रसंग रे मु कहिबि कि रमाकांत रथ थरे कहितले जे 150 वर्ष आगरो हमर ओडिया जते शब्द सबु थिला से शब्द सबु विलुप्त हो गलानी कारण ताकु आ व्यवहार करू नांती तेणु आपण जेतले पुरुणा ट्रांसलेसन गोटे करा नोभेल कि पुराणा कृतिर से ही सब जगार ये विलुप्त भाषा सबू से गुड़े आपे कमी तार कि आप समाधान चिंता कर पार कि धन्यवाद सर सेमती तो आपने जे एक्जाक्टली मुझे शब्दर गोटे इंग्राजी वर्ड खोजिकी पाइबि मनेकर मु गोटे एग्जाम्पल छोट एग्जाम्पलटे देवी एटा होची
हमर थिसरस रो किछ अभाव अछि कि एडा हो जे केमिति अपन व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग ए पर्टिकुलर फ्रेज और लाइन पोएम रु रिटन इन ओडिया यू कैन नॉट डू इट लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय मींस ए कॉरेस्पोंडिंग ट्रांसलेशन यू हैव टू डिस्कवर ए पर्टिकुलर फ्रेज व्हिच मैचेस एप्रोक्सीमेट्स द लाइन एक्सप्रेस इन ओडिया सो जस्ट वेरी ब्रीफ एग्जाम्पल जमती बंदीर आत्मकथार गोटे इट इज वेरी इंपोर्टेंट लाइन दोज हु आर एक्वेंटेड विथ ओडिया लिटरेचर दे आर अवेयर ऑफ इट कातरता सीना कापुरुषपण वीर मारे अबा मरे करे रण पछ घुंचा नहीं वीरर जतके नमरे से केवे पराण आतंके सो व्हेन आई हैव आई ट्रांसलेटेड इट इन दिस वे डिसअपॉइंटमेंट इज ए साइन ऑफ कावर्डिस इट इज डू और डाई फॉर द ब्रेव देयर इज नो रिट्रीट इन द ब्रेव वन्स डेस्टिनी ही नोज नॉट द फियर ऑफ ग्रेव सो व्हेन वी से दैट डू और डाई एंड दिस एफोरिज्म यू हैव टू इन्वेंट एंड यू हैव टू ऑल्सो इन्वेंट ए मेटोनिमी व्हिच इज ग्रेव टू डिस्क्राइब द डेथ डेथ फैक्टर सो यू हैव टू ऑलवेज इन द लुकआउट फॉर सच काइंड ऑफ इक्विवेलेंस मेटाफोरिकल इक्विवेलेंस फिगर ऑफ स्पीचेस एंड सर्टन कंस्ट्रक्ट्स टू हैंडल दैट पॉइंट सो हैंडीकैप्स विल बी मेनी बट हैंडलिंग द वेज ऑफ हैंडलिंग आर ऑल्सो प्लेंटी यू ओनली हैव टू फाइंड आउट इट यू ओनली हैव टू डिस्कवर इट एंड do just one more thing there are certain literature I admit I do not know about others but I admit that there are certain writers like Upendra Bhanja so ubiquitously means spread out interspersed with homophones and homonyms and all those things I think it is better to leave them out rather than disfiguring them with trying to describe only the subject matter better they should not be translated but if सतर्क घंटी बाजि सारे बारंबार इंगित आसुची तेणु आम ये सार जो प्रतिश्रुति आपन को जीवा पूर्व यार ओडिया अनुवाद गोटे कहीकि जीवी आम डिस्कसन जोटा बाहर ओडिया साहित्य अनुवाद सम्बन्धी प्रतबंधक मान तेणु खाली अनुवाद तो देदेले हेनी समस्या सेमती रहा समाधान भी विशारद मैंने आमर कि उपाय बतई आग को यह आशा करवा जे से ही समाधान सूत्र गुड़िक कार्यकारी हेब एवं ओडिया आउ ओडिया और अनुवाद आउ प्रतिबंधक मानकू ओवरकम करी आगो को बढ़ी चलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।